श्री गणेश को क्यों चढ़ाते हैं मोदक। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि मोदक श्री गणेश को क्यों प्रिय है? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये वीडियो। मुदाकरात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरा वतंसकम विलासिलोकरक्षकम। श्री गणेश पंचरत्न। दोस्तों, मोदक यानी जो मोद अर्थात आनंद देता है, जिससे आनंद की प्राप्ति हो, संतोष हो, इसका गहरा अर्थ ये है कि तन का आहार हो या मन के विचार, वो सात्विक और शुद्ध होना जरूरी है, तभी आप जीवन का वास्तविक आनंद पा सकते हैं। मोदक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसे थोड़ा और धीरे धीरे खाने पर उसका स्वाद और मिठास अधिक आनंद देती है और अंत में मोदक खत्म होने पर आप तृप्त हो जाते हैं। उसी तरह ऊपरी और बाहरी ज्ञान व्यक्ति को आनंद नहीं देता, परंतु ज्ञान की गहराई में सुख और सफलता की मिठास छुपी होती है। इसी प्रकार जो अपने कर्म के फल रूपी मोदक प्रभु के हाथ में रख देता है, उसे प्रभु आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार मोदक बाहर से कड़ा एवं भीतर से नरम एवं मिठास से भरा होता है, उसी प्रकार घर का मुखिया यदि अपने धर्म का पालन करता है, ऊपर से सख्ती से नियमों का पालन करवाए तथा भीतर से नरम रहकर सभी का पालन पोषण करे, तो उस घर में सुख व्याप्त होता है। धार्मिक आख्यानों के अनुसार भगवान शिव ने मोदक को परिभाषित किया है, जिसका बाहरी आवरण कठोर एवं भीतर से नरम एवं मधुर होता है। गणपति अथर्व शीर्ष के अनुसार जो हजार मोदकों से गणेश जी को भोग लगाता है या उससे हवन करता है, वो जातक अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, श्री गणेश को क्यों चढ़ाते हैं मोदक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक जरूर कीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए इंडियन माइथोलॉजी के साथ।